लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हे लक्ष्मी माता, मैं दुनिया के लिए फरेबी और मक्कार हूँ, लेकिन तेरा ताबेदार हूँ। तूने अपनी कृपा से मुझे मालामाल तो कर दिया है, लेकिन डरता हूँ माँ, कहीं तुम मुझसे नाराज होकर रूठ कर खिसक न जाओ। इसलिए हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ये दवा मैं इसलिए छिड़क रहा हूं ताकि तुम्हें दिमक ना लग जाए, और ये खुशबू इसलिए छिड़क रहा हूं ताकि दवा की बदबू दूर हो जाए और तुम महक उठे और मेरा जीवन चहक उठे। आओ माँ आओ, अपने इस भगत के जीवन को महकाने चहकाने चली आओ। आओ माँ आओ, आओ माँ आओ, आओ माँ आओ, आओ माँ आओ, आओ लक्ष्मी। कौन? लालच के समंदर में डुबकी लगाकर बेईमानी के पानी से नहाने वाले कुत्ते। पहचान पहचान मैं कौन हूँ? आशा। हाँ आशा, वही आशा जिसके अमर को तुम दरिंदों ने शादी की रात को कत्ल किया था। मदनलाल, पूजा कर ले, जिस देवी देवता की प्रार्थना करनी है कर ले, क्योंकि आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। हेलो, काला चौकी पुलिस स्टेशन, हवलदार गुलाटी स्पीकिंग। अरे खून खून, अरे खून खून, अरे खून चाहिए तो भाई अस्पताल में फोन करो, ये पुलिस स्टेशन है भाई। अरे घोचू, यहाँ पर किसी का खून हो गया है, मतलब मर्डर। मर्डर? अरे किसका मर्डर हुआ भाई? हेलो, ठाकुर गजेंद्र सिंह घोड़े बेचकर सो रहा है?
उठ उठ और जाकर देख, तेरा साथी मदनलाल बीच सड़क पर जिंदगी बेचकर मौत की चादर ओढ़े सो रहा है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? वही जो मरकर भी अमर है। ये किसकी लाश हो सकती है यार? लगता है कोई लावारिस है। लावारिस है? लावारिस ही नहीं आता। हटो 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 भाजो हटो। ठाकुर साहब, हाँ ये आपके पार्टनर मदनलाल है ना? हाँ, किसी से दुश्मनी थी उनकी? नहीं तो, हाँ लेकिन कहीं अमर ने तो नहीं? नहीं नहीं, अमर का जिक्र भी मत करना, ये पुलिस वालों ने पूछना शुरू कर दिया तो अपने लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या सोच रहे हैं ठाकुर साहब? कुछ कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था कि मदनलाल का कोई दुश्मन था क्या? था कोई? टू माई बेस्ट नॉलेज नो, कोई नहीं था, कोई नहीं था। आपके ख्याल से इसका खून कौन कर सकता है? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसे मालूम करना तो आपका फर्ज है ना। Thank you.
नहीं, 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 बच्चे, ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? किसने इतनी बेदर्दी से मार डाला तुझे? पूरे एरिया को घेर लो, हरी अब। इस लाश का और तमाम चीजों का फोटो लो। इंस्पेक्टर, ये क्या है? ये सब क्या है? मैं पूछता हूँ, आपका डिपार्टमेंट इतना नाकारा और नपुंसक हो गया है? अभी तक आपने मेरे पार्टनर के कातिल का पता नहीं लगाया और अब मेरे इकलौते बेटे का कत्ल कर दिया गया है? आखिर ये क्या हो रहा है? What the hell is this happening? ठाकुर साहब, शांत हो जाइए, प्लीज कम डाउन, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आप भी हमारी मदद कीजिए, ये तो बताइए आपका दुश्मन कौन है? कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? अगर मुझे मालूम होता कि मेरा दुश्मन कौन है तो मेरे बेटे की जगह उसकी लाश होती। ये तलाश करना आपका काम है। That's your bloody business! सर, जोगिंदर सिंह के शरीर पर और उस चाकू पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो सब एक ही इंसान के हैं। ये निशानात एक लड़की की उंगलियों के हैं सर, और ये खून किसी लड़की ने ही किया है। ये देखिए सर, उस दिन मदनलाल के खून के ताल्लुक से भी एक लड़की सामने आई थी, आशा। सोलंकी ने उसे पहचान तो लिया था लेकिन जानबूझकर इनकार किया था। आज जोगिंदर के खून के ताल्लुक से भी एक लड़की के फिंगरप्रिंट सामने आए हैं। इसका मतलब है दोनों खून एक ही लड़की ने किए हैं। उस दिन तो मुझे सिर्फ शक था, आज पूरा यकीन हो गया है कि दोनों खून आशा ने ही किए हैं। सर, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। क्या? मेरे बेटे का खून एक लड़की ने किया है? हाँ ठाकुर साहब, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और पुलिस का यही कहना है। हाँ सर, वो लड़की और कोई नहीं, आशा ही है। आशा? हाँ ठाकुर साहब, उस रात आशा फार्म हाउस में आई थी, फिर आशा और जोगिंदर बाबू दोनों अकेले थे। आशा ने ही जोगिंदर बाबू का खून किया है सर। हाँ आशा, पुलिस को शक ही नहीं बल्कि यकीन हो गया कि वो खून तुमने किए हैं, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए यहाँ कभी भी आ सकती है। इसलिए मेरी मानो, तुम यहाँ से निकल जाओ। मुझे अपनी गिरफ्तारी या मौत का कोई गम नहीं, लेकिन मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा काम अधूरा रह जाए। अपने आखिरी शिकार को ठिकाने लगाने के बाद मैं खुद ही अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब! अरे तुम ये क्या कर रही? डॉक्टर, विजय साहब को कुछ गुंडे जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। डॉक्टर विजय को गुंडे ले गए? कौन थे वो लोग? मैं जानती हूँ, ये गजेंद्र सिंह का ही काम है। लेकिन डॉक्टर विजय ने उसका क्या बिगाड़ा है? गजेंद्र बड़ा चालाक है, उसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। वो मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए चाल चल रहा है। वो जानता है कि मैं डॉक्टर विजय को छुड़ाने के लिए उसके इलाके में जरूर जाऊंगी। लगता है आज ही गजेंद्र के क्रियाक्रम का कार्यक्रम बनाना होगा। प्लीज चलो, तुम निकलो यहां से, मैं संभालता हूं। जल्दी जल्दी, अरे आप ऊपर देखो जल्दी। अरे 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 अरे, क्या करें, क्या आदमी है यार, क्या बात है? क्या तलाश करें? आशा कहाँ है? आशा? मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ उसको, मैं आपके पास आ रहा था कंप्लेंट लिखाने के लिए। अच्छा वो आप आ गए, मेरी कंप्लेंट लिखिए। शट अप, कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लिखाना। चलो वहीं चलते हैं। अरे हाँ, डॉक्टर विजय का कुछ पता चला? क्या मतलब? अरे तुम कैसे पुलिस वाले, तुमको पता नहीं है डॉक्टर विजय का किडनैप हो गया? क्या? देख डॉक्टर, तेरा पेशा है लोगों की जिंदगियां बचाना, लेकिन आज तेरी अपनी जिंदगी खतरे में है। अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है तो बता फिर, आशा ने मेरे बेटे और मेरे पार्टनर का खून क्यों किया? कौन सी ताकत है उसके पीछे? बोल! अमर! है? अमर, बकवास करता है तू, अमर तो मर चुका है। हाँ अमर तो मर चुका है, और तुम कमीनों ने उसे मारा है, तुम लोगों ने। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। मैंने अमर की लाश गायब की और उसका दिमाग निकालकर आशा के सर में लगा दिया। अब अमर की सारी ताकत और याददाश्त आशा के अंदर आ गई है, आशा के अंदर आ गई है। तुम तीनों की काली कर दोते हैं, अमर के दिमाग ने आशा की जुबान से बयान कर दी है। इट इज इम्पॉसिबल। और आशा ने कसम खाई है कि अमर की मौत का बदला तुम तीनों को मौत के घाट उतार कर ही लेगी। दो का काम तो तमाम हो चुका है,
अब तेरी बारी है गजेंद्र, अब तेरी बारी है। तो इस सारे फसाद की जड़ तू है। मैं उस लौंडिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसका शरीर और अमर का दिमाग कुचल कर रख दूंगा। ये इतना आसान नहीं है गजेंद्र जितना तू समझता है, बल्कि नामुमकिन है। आशा एक गाइडेड मिसाइल बन चुकी है जो तेरे जुर्म की दुनिया पर गिरने वाली है। हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। मेरे बेटे का खून करने वाली डायन, मैं तेरे शरीर के खून का एक एक कतरा निकालकर अपने बेटे के खून का बदला लूंगा। आज मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू चीख चीख कर मौत को पुकारेगी। इस भरम में मत रहना गजेंद्र, क्योंकि तेरा भी मेरे हाथों वही अंजाम होगा जो तेरे बेटे और पार्टनर का हुआ था। मैं तुझे भी उसी तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगी जिस तरह तूने मेरे अमर को मारा था। मैं जानता हूँ लौंडिया कि ये तू नहीं, तेरी खोपड़ी के अंदर जो अमर का दिमाग है वो बोल रहा है। लेकिन आज मैं इस दिमाग को भून कर रख दूंगा। गोलियों से छलनी छलनी कर दूंगा मैं इसे। तुम लोग उधर जाओ। आशा, रुक जाओ आशा।
आशा गुड बाय दोस्तों, आज मैं बाबुल का घर छोड़कर ससुराल जा रही हूँ। नहीं आशा, अपने अमर के पास मुझे आशा नहीं, हंसी खुशी विदा करो। आशा गुड बाय। आशा